नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन के साथ भी वे नजर आई थी। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर काफी पसंद भी किया गया था। वे फिल्म बागबान में दोनों ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था। असल जिंदगी में भी दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को अपना दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। तो हेमा मालिनी को अभिषेक बच्चन में वो सारी खूबियां दिखी थी जो वो अपने दामाद में देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी बड़ी बेटी ईशा की शादी अभिषेक से हो जाए। ये किस्सा साल 2005 का है, जब अभिषेक बच्चन सिंगल हुआ करते थे। वही ईशा देओल भी सिंगल थी। हेमा मालिनी अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड की तलाश कर रही थी। इस बारे में खुद ईशा देओल ने करण जौहर के शो में बताया था। ईशा शाहिद कपूर के साथ शो में गई थी। इस दौरान करण ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि आपकी शादी आपकी माँ अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। इस पर ईशा हंसते हुए कहती हैं कि मेरी माँ सच में बहुत प्यारी हैं। अभिषेक बच्चन इस समय मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, लेकिन माँ ने अभिषेक का नाम ले लिया। माँ चाहती हैं कि किसी अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ मैं अपना घर बसाऊँ। उन्हें अभिषेक ही बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद ईशा ने कहा कि वह अभिषेक को अपना बड़ा भाई मानती है। दोस्तों आपको बता दें कि ईशा देओल ने साल 2012 में मशहूर बिजनेसमैन भरत से शादी की थी। दोनों एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जानते थे। बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद ईशा ने भरत को डेट करना शुरू कर दिया था। कई साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद ईशा की दो बेटियां हुई, जिनके नाम है राध्या और मिराया। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।